नमस्कार, आप देख रहे हैं MNTV। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में हूं और यहां पर मुंबई यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर संदेश वाघ सर हमारे साथ हैं। 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, 13 पॉइंट रोस्टर जो लागू हुआ है उसमें उससे उसका देश भर में विरोध हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध हुआ है और कई सारे राज्यों में इसका विरोध हुआ है। तो ये 13 पॉइंट रोस्टर किस प्रकार से बहुजन विरोधी है, ये हमें बताइए। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि 13 पॉइंट रोस्टर है क्या और ये कहाँ से शुरू हुआ। तो इसके संदर्भ में जब जानकारी देता हूँ तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये कोर्ट नंबर 37 में जो केस चला था, ये कोर्ट नंबर 37 अलाहाबाद हाईकोर्ट में जो केस चला था, इसका रिट पिटीशन नंबर था 43260 ऑफ 2016 और इसके जो एप्लीकेंट है, ये एप्लीकेंट है विवेकानंद तिवारी एंड अदर्स और रिस्पोंडेंट जो थे यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये रिस्पोंडेंट जो थे, ये जो मसला चला था, ये इस मसले के तहत अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया 13 पॉइंट रजिस्टर के संदर्भ में, वो निर्णय बहुत ही घातक निर्णय साबित हुआ। और उसके बाद में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने HRD मिनिस्टर की इसके अंतर्गत एक SLP दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद में इसके संदर्भ में बहुत सारे विवाद वहाँ पर खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 पॉइंट रजिस्टर के संदर्भ में एक अपना जजमेंट पास किया है, जिसे हम कहते हैं कि कोर्ट नंबर 9 के सामने ये जो मैटर था, ये पुटअप किया गया था सेक्शन 9 के अंतर्गत, ये था, ये किया गया था। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विवेकानंद तिवारी ये जो था, ये मसला वहाँ पे चल रहा था। और ये जो केस था, इसका जो फाइंडिंग आपको दिखाया जाता है, इसका जो स्पेशल लीव पिटीशन सिविल डायरी नंबर 14318 ऑफ 2018, ये जो है, ये स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत ये मसला वहाँ पे डिस्कस हुआ था और ये डिस्कस होने के बाद में ये 13 पॉइंट रोस्टर का जो मसला है यहाँ पे निर्माण हुआ है, ये आपको जानना ज़रूरी है। अभी मुझे ये कहना ज़रूरी पड़ेगा कि ये रोस्टर क्या है, ये समझना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे ये कहना पड़ेगा कि भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, इस आरक्षण के तहत इस देश में SC DT NT OBC प्रवर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है। भारत के संविधान में कहा भी यहाँ प्रायोजन नहीं किया है कि रोस्टर के संदर्भ में कुछ भी वहाँ पे कहा नहीं गया है। उसमें इतना ही कहा गया है कि आरक्षण ये प्रतिनिधित्व है, आरक्षण ये सवलत नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, तो ये प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व उन लोगों को देना चाहिए कि जो इस देश की मूल व्यवस्था से दूर थे, इनको प्रतिनिधित्व देने की बात इसके तहत यहाँ पर की गई है। तो ये बात आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि भारत का अनुच्छेद जो है, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 330, 332, 338, 340, 342, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये भारत में आरक्षण के संदर्भ में जो कुछ भी प्रावधान होता है उसके संदर्भ में आता है। तो ये आरक्षण प्रतिनिधि स्वरूप का रहता है। अभी आरक्षण का जो मसला है, ये मसला तो भारत के संविधान में दिया है कि प्रतिनिधित्व के स्वरूप में देना चाहिए। अब असल बात यहाँ पर आती है कि रोस्टर के संदर्भ में बात आती है। रोस्टर को जिसे हम बिंदु नामावली कहते हैं, वो क्या है, ये समझना ज़रूरी है। बिंदु नामावली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो सार्वजनिक सेवा योजना में काम करने वाले जो कर्मचारी रहते हैं, उनको आरक्षण कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में वहाँ पर रचना रहती है। तो ये RK सबरवाल विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब का जो मसला चल रहा था, उस केस में उन्होंने ऐसा निर्णय दिया था कि 200 बिंदु नामावली के तहत लोगों को आरक्षण रखा जाना चाहिए। मतलब अगर 200 पोस्ट रहेंगे तो 200 में से अगर 50% आरक्षण रहेगा तो ये SC ST DT NT OBC को चला जाएगा। ये आगे चल के इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से होता है। ये मसला जो है वो कैसे आगे चला कि वो 1997 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अपना GR निकाला था। उस GR के तहत उन्होंने ये कहा कि ये जो BC OBC प्रवर्ग के जो लोग हैं उनको इस तरह से आरक्षण रखा जाएगा, जो कि DOPT जो रहता है, डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो HRD मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, जिनके जो अध्यादेश था उस अध्यादेश के तहत 200 बिंदु नामावली का यह अध्यादेश जारी किया गया और उसके वजह से भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में 13 बिंदु नामावली का अध्यादेश जारी हुआ और उसके तहत आरक्षण की भर्ती प्रक्रिया जो है वो बिंदु नामावली के तहत शुरू हो गई। अभी आगे जाके मूल मुद्दा यहाँ पे आता है कि अभी इतना भारत में इस 13 बिंदु नामावली के संदर्भ में क्यों इतना तकलीफ हो रही है, क्यों इतना आक्रोश हो रहा है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि 200 बिंदु नामावली क्या है। इस बिंदु में क्या रहता है कि अगर 200 पद रहेंगे तो 200 पद में कैसे, किस तरह से आरक्षण दिया जाता है। तो पहला पद जाता है खुला प्रवर्ग को, दूसरा पद जाता है अनुसूचित जाति को, तीसरा जाता है खुले प्रवर्ग को, चौथा जाता है अनुसूचित जमाति को, बाद में यह जो आता है DT NT को जाता है, फिर खुले प्रवर्ग को जाता है, फिर OBC को जाता है, फिर खुले प्रवर्ग को जाता है, फिर अगला जो बिंदु रहता है वो वापस अनुसूचित जाति को जाता है, फिर खुले प्रवर्ग को, फिर अनुसूचित जमाति को जाता है, फिर खुले। तो इस तरह से अब हम देखते हैं तो इसमें अल्टरनेटिव सिस्टम से आरक्षण दिया जाता है ताकि जो कुछ भी बिंदु निर्माण होता है उस बिंदु में क्या होता है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन आरक्षित वर्ग के लोगों को उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा।
आज हम देखते हैं कि भारत में चातुर्वर्ण व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था की वजह से, जाति व्यवस्था की वजह से, अस्पृश्यता, गुलामगिरी, इन सभी व्यवस्थाओं के वजह से आर्थिक व्यवस्था से दलितों को, पिछड़े तबके के लोगों को सार्वजनिक सुयोजन से दूर रखा गया था। तो इसी की वजह से प्रतिनिधित्व के स्वरूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, जो देशो बिंदु नामोल के तहत इस देश में लागू कर रहे थे। अभी जो असल बात यहाँ पे आती है कि ये 13 पॉइंट रोस्टर क्या है। ये 13 पॉइंट रोस्टर एक ऐसी कार्यप्रणाली है कि जिसमें इस देश में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और इतर मागास वर्ग, जिसे हम कहते हैं पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इनको इस देश की मूल व्यवस्था में, जो सेवा योजना में, उनसे दूर रखने का प्रावधान इस व्यवस्था में किस तरह से किया गया, ये लोगों को समझ में आया। इसके वजह से हम देखते हैं कि दिल्ली में, DU में, बहुत सारी जगह पर, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी आप देखते हैं कि आंदोलन हो चुका है, बहुत सारी जगह पे आंदोलन हो चुका है। तो ये 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली क्या है आपको समझना जरूरी है। पहले तो ये था कि ये 200 प्रणाली, 200 बिंदु नामावली जो है, तो 200 पॉइंट रोस्टर की, जिसका ऑर्डिनेंस आज भी जारी है, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो 200 बिंदु नामावली है वो क्या है आपको समझना जरूरी है। तो ये 200 बिंदु नामावली में विद्यापीठ को एक एक माना जाता था, मतलब अगर मुंबई विद्यापीठ है तो पुणे विद्यापीठ है, तो पुणे विद्यापीठ में समझो 400 जगह रहेंगी जिसमें अध्यापक के पद भरने होंगे। तो ये 400 जगह में हम देखते हैं कि 50% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा, मतलब 200 पद जो है वो रिजर्वेशन के लोगों को जाएगा, जिससे SC ST DT NT OBC प्रवर्ग के जो लोग जो आरक्षण के कक्ष में आ रहे हैं उनको इसका फायदा होगा। और अभी आगे जाके जो हमारे मराठा बांधव हैं जो ये आरक्षण के कक्ष में आने वाले, उनको भी इसका, इस बात का फायदा होने वाला है। तो ये बात जरूरी है कि 200 बिंदु नामावली के तहत इस देश का जो भी आरक्षित वर्ग है उनको इसका फायदा होने वाला है, ये बात जरूरी है। अभी 13 बिंदु नामावली के तहत क्या होता है, 13 बिंदु नामावली के तहत ऐसी बात होती है कि इसमें इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि विद्यापीठ को एकक नहीं माना जाएगा, मतलब विद्यापीठ में अगर 400 पोस्ट है तो 400 के 400 पोस्ट को लेकर आरक्षण रखा जाएगा, ऐसी बात उन्होंने अमान्य की है। ये बात आपको समझना काफ़ी ज़रूरी, ये पहला मुद्दा अहम आता है। तो इन्होंने किसको एकक माना है आरक्षण का, बिंदु नामावली की, इन्होंने माना है विभाग को। जैसे हम देखते हैं कि एक विभाग विद्यापीठ है, तो विद्यापीठ में कई जगह पर 50 विभाग है, कई में 60 विभाग है, जैसे मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, जर्मनी है, अलग अलग विभाग रहते हैं, बराबर। तो ये जो अलग अलग विभाग रहते हैं, ये अलग अलग विभाग में जितने भी पोस्ट रहते हैं कुल मिलाकर, अलग समझो मराठी विभाग में, मराठी विभाग में समझो 3 जगह है, तो 3 जगह में वो क्या करेंगे कि ये 13 बिंदु नामावली के तहत आरक्षण का जो है ये मसला यहाँ पे, रिक्रूटमेंट का मसला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिक्रूटमेंट का मसला कैसे आप समझ में है, 13 बिंदु नामावली का उन्होंने जो कैलकुलेशन किया है, तो वो कैलकुलेशन करते हुए उन्होंने क्या किया कि इनकी आबादी समझो 15% अनुसूचित जाति के हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 15, तो वो कैसे आते हैं, क्या आते हैं, इस तरह से उन्होंने वो कैलकुलेशन किया है। तो इसके तहत आप देखेंगे तो थर्ड, पहले 3 जो पद हैं वो अनारक्षित हैं, जो खुले वर्ग को चले जाते हैं, चौथा पद है वो OBC को चला जाता है, फिर आप देखते हैं कि 7वें क्रमांक को कौन आता है, तो अनुसूचित जाति का आदमी आता है, और उसके बाद में जो आता है वो 14वें क्रमांक को आता है, अनुसूचित जमाती का बंदा आता है। तो इस तरह से आरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये जो बात है, इस बात में क्या प्रॉब्लम है ये आपको समझना ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि ये 13 बिंदु नामावली का जो मसला यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी विद्यापीठ में कोई भी विभाग रहता है तो उसमें विद्यार्थी संख्या तय रहती है, और वो अनुदानित और बिना अनुदानित, ऐसे दो तरह के उसमें विभाजन होता है। तो अनुदानित जो रहता है, समझो 120 अनुदानित विद्यार्थी संख्या रहेगी, तो उसमें ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 शिक्षक या रह सकते हैं। अगर ज़्यादा विद्यार्थी संख्या आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जॉइंट डायरेक्टर की मान्यता लगती है, डायरेक्टर की मान्यता लगती है, महाराष्ट्र शासन की मान्यता लगती है, वित्त विभाग की मान्यता लगती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि विद्यार्थी संख्या बढ़ने के लिए हर एक विभाग की मान्यता वहाँ पर लगती है, जो कि काफ़ी क्लिष्ट प्रक्रिया है, और विद्यापीठ में इतनी फैसिलिटी और एमिनिटी नहीं दी जाती, विद्यार्थियों के लिए वर्ग भी उपलब्ध नहीं रहते और शासन की तरफ से मान्यता भी नहीं मिलती। ये बात समझना काफ़ी ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मतलब ये होता है कि विद्यापीठ में विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो शिक्षकों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी, अगर शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो इस देश में अनुसूचित जाति का जो बंदा है, जो 7वें क्रमांक पर आता है, उसको कैसे नौकरी मिलेगी। अगर आपको 7वें क्रमांक का जो अनुसूचित जाति का बंदा, इसको अगर नौकरी चाहिए, तो तकरीबन जहाँ पे 120 विद्यार्थी संख्या है वहाँ पे कम से कम 400 या 500 के आसपास विद्यार्थी संख्या चाहिए। क्या शासन 400 या 500 विद्यार्थी संख्या देने के लिए तैयार है, यह पहला मुद्दा यहां पर आता है, जो केंद्रीय विद्यापीठ में भी असंभव है और जो राज्य स्तरीय विद्यापीठों में भी असंभव है, यह बात है। फिर प्रश्न यहां पे उपस्थित होता है कि अनुसूचित जमाती के व्यक्ति का, तो वो तो 14वें नंबर पे चला गया है,
तो अगर 14वें नंबर पे आना है तो एक विभाग में कम से तकरीबन 1000 विद्यार्थी होने चाहिए। क्या भारत के 800 विद्यापीठों में और 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1000 विद्यार्थी एक विभाग में देने की कैपेसिटी है? ये सबसे पहला अहम मुद्दा यहाँ पे हमें दिखना ज़रूरी है कि क्या इस तरह से हो सकता है। दूसरा बात है, अगर होना भी चाहिए तो क्या हमारे देश में उतना खर्चा शिक्षा के ऊपर किया जाता है? कुल जो बजट है, कुल बजट में 2.75% के आसपास शिक्षा के ऊपर खर्चा किया जाता है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है, सभी एजुकेशन के ऊपर। तो ये 2.75% अगर खर्चा किया जाता है तो क्या गवर्नमेंट आगे जाके इतनी सब फैसिलिटी देने के लिए, खर्चा करने के लिए तैयार है? तो मेरा ख्याल है कि इस मुद्दे को अगर हम ध्यान पे देते हैं तो मुझे लगता है कि इसके तहत विद्यार्थी संख्या बढ़ना, शिक्षकों की संख्या बढ़ना ये असंभव है। तो एक और आगे चल के दूसरा भी मुद्दा उपस्थित होता है कि एक शिक्षक उसकी सेवा काल कहाँ तक रहता है? तो 35 ईयर्स का सेवा काल रहता है। तो अगर 3 लोग सेवा में हैं जो अनरिजर्व कम्युनिटी के हैं तो आपको पता चलेगा 35 प्लस 35 प्लस 35, मतलब यहाँ पे तकरीबन 105 जो साल है, 105 साल चले जाएंगे तब ओबीसी के आदमी को क्या मिलेगा? यहाँ पे उसका टर्न आएगा कि उसको संधि मिलेगी, ये एक बात है। फिर आप देखते हैं 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35, ऐसे 6 बार आप जाएंगे तो आपको देखेगा कि 150 से ऊपर साल चला जाता है, तब अनुसूचित जाति के बंदे का वहाँ पे क्रमांक आता है, तब उसका रिक्रूटमेंट हो पाएगा। फिर आप देखिए अनुसूचित जमाती का बंदा जो रहता है उसको आने में कम से कम 300 से 400 साल लग जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे आपको निदर्श में लाना ज़रूरी है कि भारत की जो आबादी है, जो जाहिर हो चुकी है, ये 120 करोड़ के ऊपर की आबादी है। 120 करोड़ की ऊपर आबादी है, अगर आप समझे उसमें 15% अनुसूचित जाति के, 8.5% अगर अनुसूचित जमाती के हैं, और यहाँ पे 52% जो लोग हैं जो पिछड़े, इतर मागास वर्ग जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं उनसे संबंधित है, तो ये आप देखते हैं कि 120 करोड़ में अगर इनकी 50% आमदनी है, 50% लोकसंख्या है, तो इन लोगों को संधि कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये 13 बिंदु नामावली के तहत इनको विद्यापीठों में नौकरी मिलने का जो असरात है, जो चांसेस है, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आरक्षण पिछले द्वार से लेके जाने का वापस ये जो काम है, ये 13 बिंदु नामावली के तहत हो रहा है। इसका जो प्रावधान है, ये प्रावधान सबको समझ में आ रहा है। मैं कुछ यहाँ पे तथ्यों को आपके सामने नज़र रखना चाहूँगा कि जो कुछ भी बातें हमने फैक्ट फाइंडिंग की है विश्वविद्यालय के तहत, एक HOD के तहत हमें जो बातें यहाँ पे संशोधित करना ज़रूरी था, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि क्या बातें हैं। एक बात तो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि इसका फैक्ट फाइंडिंग स्टेटस क्या है। ये फैक्ट फाइंडिंग स्टेटस है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के तहत। जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी, उनका जो एडवर्टाइजमेंट आया था, उनका एडवर्टाइजमेंट था IGNUTU सेल नंबर 2018 डेटिंग 8/4/2018। ये 8/4/2018 को जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें 52 पोस्ट थे, 52 में से 51 पोस्ट, जो 51 पोस्ट थे तो वो अनरिजर्व थे, मतलब इसमें कोई भी आरक्षण नहीं रखा गया था, और एक ही पद जो था वो ओबीसी कम्युनिटी को चला गया था। तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्यप्रणाली जो है ये कितनी घातक प्रणाली है, जो कि आज निर्णय लगा है 13 बिंदु नामावली के संदर्भ में, लेकिन इसके संदर्भ में जब SLP दाखिल हुई थी उस वक्त जो निर्णय आया था उसके तहत यहाँ पे देखते हैं कि ये सब बड़ी बात है। अभी ये भी सवाल मद्देनजर रखना भी जरूरी है कि 8 विश्वविद्यालय में लाखों की तादाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जगह खाली है। पिछले 4 सालों में कोई भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हम देखते हैं कि यहाँ पे नहीं हुआ। कितनी जगह खाली? तकरीबन कहा जाता है कि 3.5 लाख के आसपास जगह खाली है, और अगर 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से चले जाए तो हमको आशंका यह है कि 25,000 भी जगह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति और इतर मागास वर्ग के प्रवर्ग को नहीं मिलेगी, जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,75,000 जगह मिलेगी अगर ये वैकेंसी 50% के हिसाब से, अगर ये वैकेंसी सही मायने में अगर इस्तेमाल किया जाता है तो। दूसरा एक इंपेरिकल डाटा हम कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी का डाटा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कानपुर की, उनका जो एडवर्टाइजमेंट आया था नंबर 1/2008 ऑफ 38 अप्रैल 2018, इसका जो स्टेटस था ये 21 में से 21 पोस्ट अनरिजर्व कम्युनिटी को गया था, इसमें SC ST OBC को कोई भी पद नहीं गया था। मेरा ये मानना है कि जब आरक्षण के तहत आपको 200 बिंदु नामावली का ऑर्डिनेंस जारी था तो आपने ये पोस्ट एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं किया, ये पहले बात। दूसरा बात याद है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है, उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट किया, जहाँ पे आप 52 में से 51 जगह ओपन को जाती है, जहाँ पे 21 में से 21 इनको जाती है। तो मतलब ये है कि इस विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं, इन विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं को भी आरक्षण के तहत इन लोगों को भरना है या नहीं है, आशंका लोगों के मन में जो निर्माण हुई है, जिसके बारे में यहाँ पे विश्वविद्यालय के मुप्टा नाम की संगठना है या फिर बहुजन विद्यार्थी मोर्चा के जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने जो आक्षेप किया है, ये आक्षेप इसी की वजह से किया है कि ये आंकड़ेबारी जो है उनके पास में चली गई। अभी अगली जो बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी है, ये संत
गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट 17 पोस्ट के लिए आया था जो कि प्रोफेसर के पोस्ट है। अब ये प्रोफेसर के पोस्ट में उन्होंने क्या कहा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था, उन्होंने कहा कि एससी एसटी डीटीएनटी एबीसी एसबीसी प्रवर्ग के लोगों को यहाँ पे कुछ भी आरक्षण नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये प्रोफेसर का पद जो है आइसोलेटेड है। अभी आइसोलेटेड के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था वो एक अलग मसला है जो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, जो यहाँ पर डीम फिट सुटेबल नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय उनकी सुविधा के अनुसार, उनके जो अधिकारी उनकी सुविधा के अनुसार इसको क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिट कर रहे हैं। उसके वजह से अभी मसला भी यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर समझो इस विश्वविद्यालय में 17 के 17 पोस्ट अगर ओपन कैटेगरी को चले गए तो मतलब एक भी एससी एसटी डीटीएनटी ओबीसी का आदमी वहाँ पे बाय सिलेक्शन नहीं हो पाएगा प्रोफेसर। अभी कुलगुरु कैसे बनता है, कुलगुरु कोई भी विद्यापीठ का बनता है तो वो कैसे बनता है, वो बनता है प्रोफेसर का पद होने के बाद में उसको 10 साल का एक्सपीरियंस लगता है, जो यूजीसी की नामावली यहाँ पे स्पष्ट नियमावली स्पष्ट विदित है। तो इसका मतलब ये है कि 13 बिंदु नामावली के तहत आप इनको असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बनने दोगे और बाद में वो प्रोफेसर भी नहीं बन पाएंगे और प्रोफेसर भी नहीं वो कुलगुरु भी नहीं बन पाएंगे। अगर वो कुलगुरु नहीं बन पाएंगे तो इस देश की जो व्यवस्था है, इस शासन प्रणाली में उनका प्रतिनिधित्व कैसे आएगा, यह समझना ज़रूरी है। अगर आप टोटल 800 विद्यापीठ देखेंगे तो 800 विद्यापीठ में रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाति के कितने कुलगुरु है इसकी अगर आंकड़े वगैरह आप ढूंढना चाहोगे तो वो अत्यंत नगण्य ऐसी संख्या है, जिस नाम मात्र संख्या है ऐसे आपको समझ में आएगा, जहाँ पे 50% रिजर्वेशन नहीं है और वहाँ पे उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ये बात आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब आगे आने वाली जो सुविधा है, आगे आने वाली जो संधि है, उस संधि से विमुक्त रखने का जो बाब है वो 13 बिंदु नामावली की तरफ यहाँ पे आती है, ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अभी जो एम्पिरिकल डाटा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये एम्पिरिकल डाटा है रिजर्वेशन के पोस्ट के संदर्भ में। ये पोस्ट के संदर्भ में जो आया वो कैसे है, सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी इनका जो सोर्स है, उन्होंने क्या डाटा पब्लिश किया मैं बताना चाहूंगा कि 706 पोस्ट थी, उसमें से 626 अनरिजर्व्ड है। जहाँ पे 706 पोस्ट में तकरीबन अगर 50% आप देखोगे तो कम से कम हमारा 350 के आसपास ये होना चाहिए। तो जो भरे गए वो 626 है। 18 पोस्ट आप देखते हैं एससी के चले गए, एसटी के कोई भी नहीं गया है। 57 पोस्ट ओबीसी कम्युनिटी को गया है। तो ये कहाँ का डाटा है ये आपको बताना ज़रूरी है जो उन्होंने पब्लिश किया है। ये एबी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी का है, भोपाल का, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी एमपी का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का है, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद का है, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का है। तो मतलब कुल मिलाकर 706 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 626 अनरिजर्व्ड को चले गए हैं, 626 अनरिजर्व्ड को चले गए हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि एसी कैटेगरी की जो पोस्ट चली गई है वो 18 है, एसटी को एक भी पोस्ट नहीं गया है, और इसके तहत 57 पोस्ट जो है वो ओबीसी कैटेगरी को गए। मतलब रिजर्वेशन का जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो प्रतिनिधित्व हमें यहाँ देखा दे रहा है कि यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके तहत हमने कुछ बातों का यहाँ पे जो हल है वो यहाँ पे हम लोग बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। एक तो ये बात श्योर है, एक तो बात ये सिंपल आपको मैं कहना चाहूँगा कि 200 बिंदु नामावली के संदर्भ में जो अध्यादेश केंद्र सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री ने, जिसे मनुष्य बल के विकास मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय कहते हैं, जिन्होंने ये जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के तहत, वो अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है, तो ये जारी रहना चाहिए, ये पहले सबसे बड़ी बात है। अभी दूसरा मसला ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहता है वो इस देश के हर जगह पे लागू होता है, इसके वजह से वो शायद ये अध्यादेश जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे इसके संदर्भ में मसला निर्माण हो सकता है। तो ये बात है कि बहुत सारे प्राध्यापक संगठन और शिक्षक संगठन, विद्यार्थियों की संगठन ने यह करना ज़रूरी है कि सुप्रीम ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसके संदर्भ में इमीडिएटली रिव्यू पिटीशन डालना ज़रूरी है, जिसे पुनर्विचार याचिका कहते हैं, कि जो एसएलपी दाखिल किया था वो स्पेशल लीव पिटीशन, जो मैंने आपको यहाँ पे नंबर बताया है, ये स्पेशल लीव पिटीशन के ऊपर एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। अगर केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में वक्त लगाती है तो जो बाकी संगठन है उन्होंने भी मिलजुल कर इसके संदर्भ में अपनी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि उनको इस संदर्भ में 200 पॉइंट रोस्टर बरकरार रहे। जब मैटर सबजुडाइज रहता है तब नया जो 13 पॉइंट रोस्टर के संदर्भ में जो कोई भी डीओपीटी की तरफ अध्यादेश आने वाला रहेगा वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसीलिए ये बात है। दूसरी बात है कि इसको इमीडिएटली स्टे ऑर्डर भी लाया जा सकता है कि 120 करोड़ की आबादी है, इस 120 करोड़ की आबादी में रिव्यू पिटीशन अगर 50% अगर रिजर्वेशन के 85% बीसी लोग देखे जाए तो तकरीबन 80-90 करोड़ के आसपास लोग हैं, लेकिन कोई भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए आगे नहीं जा रहा है। क्या एस सी एस टी के डीटीएनटी ओबीसी के सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं है? वकील है, लेकिन वो भी इस मसले को सामाजिक मसला सोचकर वहाँ पे नहीं
पुटअप कर रहे हैं, ये भी बात बढ़िया, क्योंकि 5-5, 10-10 लाख जहाँ पे वो पुटअप करते हैं तो जो सामाजिक संगठनाएं इसके संदर्भ में केस दाखिल करना चाहेंगी वो भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उतना पैसा देने की उनकी हैसियत नहीं है या फिर उनके पास में उतना आर्थिक साधन संपत्ति नहीं है। इसलिए जो पिछड़े जाति के वकील हैं उन्होंने भी इसके संदर्भ में विचार करके एक सामाजिक भान की तरफ उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि हमारे जो उत्पन्न है उसमें से एक 20% जो भाग है, 5% जो भाग है वो उन्होंने इस मूवमेंट को देना चाहिए, ये जो उन्होंने कहा है इसके तरफ एक एडवोकेट ने भी करना चाहिए, ये मुझे लगता है। दूसरा एक बात है कि अभी लोकसभा तो विसर्जित होने वाली 10-15 मार्च के तहत अगर कोई वहाँ से अध्यादेश जारी हो जाए और नोटिफिकेशन चला आ जाए उसके पहले इन्होंने नोटिफिकेशन लाना ज़रूरी है, और ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये 200 बिंदु बिनामौली है रिस्टोर हो जाएगी, ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है ऐसा मुझे लगता नहीं। अगर 72 घंटों में 10% आरक्षण का मसला यहाँ पे आ सकता है तो क्यों नहीं इतने दिनों में ये मसले का हल निकल सकता है। मुझे विवेकानंद तिवारी इन्होंने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो केस लेकर गए, कहना है कि संविधान के आर्टिकल 16 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देत बहाल करता है तो उसका हनन हो रहा है, और इसको आधार बनाकर उन्होंने ये केस फाइल किया था। पहली बात तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि आर्टिकल क्या है और वो क्या बात कर रहे हैं। सार्वजनिक सेवा योजना में समान संधि के संदर्भ में आर्टिकल है, और ये जो आर्टिकल है ये इसका जो निकष है आर्थिक आधार नहीं है। इस देश में जो आरक्षण दिया जाता है उसका आरक्षण का आधार है सामाजिक आधार, जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनका ऑलरेडी उनका शेड्यूल कास्ट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट है जिनकी अनुसूची तैयार हो चुकी है, शेड्यूल ट्राइब है जिनकी अनुसूची तैयार हो चुकी है जो शेड्यूल ट्राइब है, और मंडल आयोग के तहत जो आर्टिकल 340 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान दिया था उसमें ऑलरेडी उनकी एक शेड्यूल्ड जिसे हम लोग अनुसूची कहते हैं वो तैयार हो चुकी है कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं। इसके संदर्भ में मुझे ये कहना चाहेगा कि आर्टिकल 16(4) में आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए ऐसा कहीं पर भी कहा नहीं है, तो ये संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको तोड़ मरोड़ कर वहाँ पे पेश किया जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। 13-point roster के संदर्भ में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवेकानंद तिवारी ने किया था उन्होंने वो आधार दिया कि 16(4) आर्टिकल 16(4) जो संविधान में है इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो राइट्स है उसका हनन हो रहा है 200-point roster से, और इसलिए 13-point roster लाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका जो आर्गुमेंट अगर आप काउंटर आर्गुमेंट की तरफ लेना चाहोगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो कह रहे हैं कि 13.200 बिंदु नामौली के तहत इनका हनन हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये बात गलत है, क्योंकि आरक्षण 50% देना चाहिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है पहली बात। दूसरी बात है आरक्षण के संदर्भ में आर्टिकल्स तय हो चुके हैं, आरक्षण प्रतिनिधित्व है, 50% के ऊपर आप आरक्षण नहीं दे रहे, बाकी के जो 50% है वहाँ पे कौन काम कर रहा है? इस देश की 85% आबादी जो है 50% में सीमित हो गया आरक्षण के तहत, और ये 15% जो आबादी के जो लोग हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? ये 50% में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये बात आपको उनका जो आर्गुमेंट है ये मुझे लगता है कि इतना सही नहीं। अभी आगे जाके हम लोग अगर काउंटर आर्गुमेंट करना चाहें तो हम लोग भी ये कहेंगे कि 13 बिंदु नामौली के तहत इस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया जा रहा है। क्यों डिनाई कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये 13 बिंदु नामौली के संदर्भ में भारत के संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। मैंने भारत के संविधान का आज तक 44 किताब लिखी है, संविधान के ऊपर मेरी 4 किताब आ चुकी है, रोस्टर के संदर्भ में कहीं भी मैं वहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है। 13 बिंदु नामौली के तहत अगर खाली सवर्ण और सवर्ण लोगों को ही नौकरी मिलने वाली रहेगी तो मेरे ख्याल से ये जो पिछड़े जब तबके के लोग हैं उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। ये काउंटर आर्गुमेंट कोर्ट में होना चाहिए था जो कि हुआ नहीं। होता क्या है कि याचिकाकर्ता भी वही रहता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ जो लोग रहते हैं उनके भी वकील अगर उन्हीं के समुदाय के रहेंगे तो उसी तरह से स्ट्रांग पुटअप नहीं किया जाता है और उसके वजह से इस तरह के निर्णय आते हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रांगली डिफेंड नहीं किया गया है। स्ट्रांगली डिफेंड किया जाता तो ये मुद्दा या मसला यहाँ पर नहीं आता था। 13 बिंदु नामौली के तहत तो लोगों को आरक्षण नहीं मिलने वाला है, ये तो बात तय है। 150 साल के बाद में अनुसूचित जाति का नंबर आने वाला है, 300 या 400 साल के बाद में अनुसूचित जाति के लोगों का नंबर आने वाला है। तो अगर आप लोगों को रोकने वाले हैं उनको नौकरी सार्वजनिक सेवा योजना में आने से तो मेरे ख्याल से ये संविधान के कलमों का भंग करने की जैसी की बात होगी। संविधान में क्या कहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ टू ऑल द सिटीजन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट, ये कहा गया है इन 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 द मैटर ऑफ
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सार्वजनिक सेवा योजना में समान संधि। तो सार्वजनिक सेवा योजना में समान संधि का मतलब ये नहीं होता है कि 13 बिंदु नामावली के तहत आप खाली सवर्णों को या अनारक्षित प्रवर्ग के लोगों को संधि दो और बाकी के प्रवर्ग के लोगों को 150 साल और 400 साल रुकने के लिए कहे। तो मुझे लगता है कि इनके आरोप में कोई तथ्य और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से ये कुछ लॉजिक के तौर पर नहीं आता है। बात हम आर्थिक आधार के आरक्षण की करें तो बार बार जब भी आरक्षण का जो मसला सामने आता है या उस पर जब चर्चा होती है तब टीवी चैनलों पर अखबारों में ये बार बार कहा जाता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आर्थिक आधार का आरक्षण चाहे वो किसी के लिए भी हो ये संवैधानिक है या नहीं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए ऐसे संविधान के अनुच्छेदों में कहीं भी प्रावधान नहीं है। एक दूसरा बात, अगर कोई संविधान के अनुच्छेदों में प्रावधान नहीं है तो ये असंवैधानिक है, और अगर ये असंवैधानिक है तो उसको संवैधानिक ठहराने का कोई अगर प्रयत्न कर रहा होगा तो वो बात भी असंवैधानिक है। ये यहाँ पे मैं प्रतिपादित करना चाहूँगा। और अभी जो 10 सवर्णों को या यूँ कहे कि 15% जो लोग हैं देश के उनको जो 10% आरक्षण दिया है तो वो आनन फानन में वो सारा निर्णय लिया, 72 दो चार दिनों में ही सारा हो गया। तो ये क्यों ये प्रयास हो रहा है जिनके वोट ही 15% है उनको खुश करने का प्रयास सरकार क्यों कर रही है। नहीं, ये राजनीतिक मसला हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण देने के पहले क्या किया जाता है ये जानना ज़रूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा प्रवर्ग के लोग हैं इनको आरक्षण देने की बात चली तो इसके बारे में इतर मार्गस्वर्ग के संदर्भ में या फिर मराठा आरक्षण के संदर्भ में उनका एक अहवाल आया था, और अहवाल आया था तो उन्होंने 8,000 तकरीबन महाराष्ट्र में जो मराठा समाज के लोग हैं उनका क्या कहते हैं सर्वे किया था, और सर्वे करने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी और उसके बाद में उसका स्टडी हुआ था, बराबर ना। अगर आपको आरक्षण देना है तो ये जो सवर्ण लोग हैं इनमें कितने फीसदी लोग हैं पिछड़े आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं इनका बड़े स्टडी होना ज़रूरी है, ये पहली बात। उसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना चाहिए था। उसके बाद में उसका ये जो मसला है ये वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में डिस्कस होने के पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का या फिर जो कुछ भी कमेटी होगा उसको रिपोर्ट आना ज़रूरी था। यानी हर तबके को आरक्षण देने के लिए कमीशन बिठाया जाता है लेकिन इनको आरक्षण देने के लिए कोई किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं बिठाया गया। ये बात तो सही है क्योंकि राज्य मागासवर्गीय आयोग जो रहता है जैसे महाराष्ट्र राज्य में होता है वो डिसाइड करता है कि इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग में कौन आएगा, और इनका जो रिकमेंडेशन होता है वो चला जाता है कि केंद्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनको जाता है, फिर वो तय करते हैं कि कौन इस आरक्षण की कक्षा में आएगा। मतलब अगर आप उनको एक पैरामीटर लगा रहे कि आरक्षण के तबके में कौन आने वाला है और उसके लिए यहाँ पर राज्य मागासवर्गीय आयोग जो सर्वे होता है इनका रिपोर्ट आता है, इनकी समिति होती है, राज्य मागासवर्गीय आयोग के लोग जो है उनका एक रिपोर्ट देते हैं और वो रिपोर्ट फिर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग को चला जाता है, फिर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग फिर ये रिपोर्ट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर राज्यसभा लोकसभा में पेश करता है। तो क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया भारत के सभी राज्यों के बारे में हुई थी, ये सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे उपस्थित होता है। क्या इनकी आर्थिक अवस्था जो है ये विपन्न अवस्था में है इसके बारे में कुछ रिपोर्ट आया था, ये भी बात जानना जरूरी है। लेकिन सरकार ये कह सकती है कि कांग्रेस के समय में प्रणब मुखर्जी उस कमेटी के हेड थे, सोशो इकोनॉमिक डाटा उन्होंने इकट्ठा किया था, हालांकि वो पब्लिश नहीं किया है, लेकिन सरकार ये कह सकती है कि सोशो इकोनॉमिक डाटा जो कांग्रेस के समय में हुआ था उसी को आधार बनाकर हमने ये 10% आर्थिक आरक्षण दिया है। नहीं, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी इस प्रश्न के संदर्भ में ज़्यादा भाष्य इसीलिए नहीं करूँगा कि जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी कुछ आरक्षण दिया गया है लेकिन वो उच्च न्यायालय में वहाँ पर अभी पेंडिंग है। वो पेंडिंग इसके लिए है कि इसके जो कुछ संवैधानिक आधार होते हैं वो संवैधानिक आधार क्या है इसको वेरीफाई किया जाता है कोर्ट में। तो मेरे हिसाब से यह भी मसला जो है ये अभी अपने जुडिशरी के दायरे में आ रहा है, और जुडिशरी के दायरे में जब आता है तो इन सभी बातों का वहाँ पर विचार विनिमय होगा कि वो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था नहीं हुआ था ये बात नहीं रहती, वो स्टेक होल्डर्स के सामने आना ज़रूरी रहता है, उसके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी रहती है, और अगर वो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है तो वो तो कोर्ट में तो चैलेंज होने वाला है। आपने 13-पॉइंट रोस्टर के बारे में कहा कि अगर रिपिटेशन या रिव्यू पिटिशन अगर दाखिल होता है तो 13-पॉइंट रोस्टर का जो ये निर्णय दिया है उस पर स्टे लगाया जा सकता है, लेकिन ये बात 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया उसके लिए लागू नहीं है क्योंकि उसके विरोध में 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया है उसके विरोध में कई सारे पिटिशन दाखिल हुए हैं लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर स्टे नहीं लगाया। जब मसला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसके संदर्भ में कोई भी भाष्य करना अनुचित रहता है, सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देने वाला कोर्ट रहता है, वो शायद लार्जर बेंच रखे इस संदर्भ में, और ये लार्जर बेंच रखने के बाद में इसमें जो मुद्दा आगे चल के आएगा उभरेगा
तो वो तभी पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। अभी इस संदर्भ में भाष्य करना, लेकिन क्या क्या यही एक ही वजह है कि ये इकोनॉमिकल रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, संविधान में इसकी कोई किसका कोई प्रावधान नहीं है? क्या एक ही वजह है जिसकी वजह से ये असंवैधानिक हो रहा है, इसके और भी कारण है कुछ? एक तो सर्वे होना ज़रूरी है जी, दूसरा इसका रिपोर्ट होना ज़रूरी है। स्टेक होल्डर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ एमपी जो रहते हैं लोकसभा में राज्यसभा में, इनमें चर्चा होना ज़रूरी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बैठक होना ज़रूरी है, नहीं क्या? ये बहुत सारी प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया होनी ज़रूरी थी ऐसा लोग कहते हैं। और बाद में संविधान में तो कोई प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा है आज तक। ये संशोधन किया जा रहा है कि संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान में है, इसलिए संशोधन करके इस मसले को आगे लेके चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिका दाखिल होती है और उसके संदर्भ में अभी हो गई है, तो ये प्रश्न न्यायिक प्रश्न हो जाता है। जब प्रश्न न्यायिक प्रश्न होता है तो उसके संदर्भ में भाष्य करना बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। तो हम संविधान के संदर्भ में, संविधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम रहेगा ऐसा मानकर इस 13% रिजर्वेशन, ये जो 10% रिजर्वेशन दिया है, यह अभी वादातीत है। यह अभी यह प्रश्न जो है न्यायिक कक्ष में आता है। इसके संदर्भ में अगर हम ये कहें कि अगर ये जुडिशरी में आया है तो इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का राह दिखा। अभी अभी बार बार ये कहा जाता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये कहा जाता है। लेकिन अभी जो रिजर्वेशन 10% दिया है वो 50% की जो मर्यादा है उसको क्रॉस कर रहा है रिजर्वेशन, फिर वो सामाजिक आर्थिक आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो। रिजर्वेशन की जो लिमिट है 50% की, जो बार बार कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसको क्रॉस कर दिया है। तो ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने के बारे में क्या कुछ विचार हो सकता है क्या, इसी मुद्दे को लेकर? जब संविधान में संशोधन ही हो रहा है, संविधान में संशोधन ही किया है, तो 10% के लिए क्यों, 100% के लिए क्यों नहीं संशोधन हो रहा? नहीं, एक तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 50% आरक्षण के संदर्भ में दिया हुआ है, उसके तहत ये मुद्दा आगे चला जाता है। अभी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 10 पॉइंट रिजर्वेशन का, या फिर स्टेट में जो 16 पॉइंट रिजर्वेशन का जो मसला आता है उसको ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। गुणरत्न सदावर्ते ने जो अभी महाराष्ट्र में जो आरक्षण के संदर्भ में जो पिटिशन दाखिल किया है, उन्होंने भी यही मसला आगे पुटअप किया था कि ये 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी होते हुए भी आगे जो रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन 50% रिजर्वेशन की जो है वो संविधान में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान नहीं लिख सकता। ये बात बराबर है, सुप्रीम कोर्ट संविधान नहीं लिख सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो निर्णय लेता है वो देश का निर्णय माना जाता है। इसके तहत मुझे ये लगता है कि यह जो सब कुछ अभी आरक्षण देने की प्रक्रिया चल रही है, क्या वह संविधानिक है, क्या वो आरक्षण जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को ही अवसर देंगे और वही डिसीजन ले पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। आपका कहना है कि दो कारण है, दो मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये आर्थिक आधार का आरक्षण असंवैधानिक होता है। एक तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया नहीं जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% की जो मर्यादा लगाई है ये क्रॉस नहीं की जा सकती। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं जो मैं यहाँ पे प्रतिपादित कर रहा हूँ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय आता है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर ज़्यादा भाष्य कर सकते हैं, यह मेरी राय है। जी बिल्कुल। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो ईवीएम को लेकर है। ईवीएम को लेकर 2014 के बाद बहुत सवाल उठे, हालांकि 2014 से पहले भी सवाल उठाए गए थे। सुब्रमण्यम स्वामी हो, जीविल नरसिंह राव हो, एलके अडवाणी हो, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस फाइल की थी। अभी सैयद सूजा, इन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको रिवील कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ही खुद 2014 में ये सारा रीक किया था, वो सारा चुनाव। तो ईवीएम के संदर्भ में आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि ऐसे चुनाव रिग हो सकते हैं? मैं भाष्य इतना ही कहना चाहूँगा कि ईवीएम के तहत जो इलेक्शन लिया जाता है बहुत सारे देशों में बैन किया गया है। अभी वो देशों में बैन क्यों किया गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा पाया गया है कि वो जो ईवीएम द्वारा जो चुनाव होता है वो हैक हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। अभी कौन से देशों में होता है आपको भी मालूम है, ठीक है? तो इसके लिए ऐसा भी मानना है कि ईवीएम द्वारा जो इलेक्शन किया जाता है इसमें जनतंत्र का जो मूल आधार रहता है वो जनता का मत रहता है। अगर जनता का मत अगर हैक हो सकता है तो मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन डेमोक्रेसी क्या है ये समझना ज़रूरी है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब लोकांसे लोकहिताकर्ता लोकप्रतिनिधिमार्फत चालवले जाणारे लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब प्रजातंत्र जो रहता है, प्रजा का राज्य के लिए
एनडीए चला चलाया जाने वाला प्रतिनिधियों के मार्फत चलाया जाने वाला जो राज्य रहता है वो लोकशाही रहता है, और अगर ये प्रजा के द्वारा किया जाता है और प्रजा को उनका प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है तो ऐसे वक्त में कोई भी संदिग्धता मतदान के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वीवीपैट मशीन का भी यहाँ पे अवलंब किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि यह जो फॉरेन मसला हुआ था इसका भी अध्ययन होना ज़रूरी है कि वहाँ पर ईवीएम को बैन क्यों किया गया। अगर उन्होंने बैन किया गया है तो यहाँ पर भारत में भी बैन करने की जो मांग चल रही है इसके संदर्भ में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से याचिका दाखिल हो चुकी है, 3 या 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की है। तो इस संदर्भ में भी मेरा निर्णय जो है या मेरा जो मत है मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत यहाँ पे भाष्य करना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। अगर लोगों ने चैलेंज किया है तो कुछ कारण होगा, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है तो उसका भी कुछ कारण होगा, नहीं तो खारिज हो जाती थी। अगर वो याचिका खारिज नहीं हुई, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम के विरोध में निर्णय दिया था और चुनाव आयोग को आदेश दिए थे कि वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए। 2014 में इलेक्शन था, उन्होंने नहीं लगाया। अब उनका कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोग लगाएंगे, लेकिन जो वीवीपीएटी मशीन लगाने के बावजूद भी मशीनें रिग्ड हो सकती है, ऐसा सैयद सूजा का कहना। मैं सैयद सूजा को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने 2014 में जो है वो चुनाव रिग किए थे। तो वीवीपीएटी लगाने के बाद भी ऐसे घोटाले अगर होते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है? नहीं, मैंने ऐसे पहले भी कहा था कि अगर ये आप जो मसला कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका दाखिल हो चुकी है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए राह देखना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेट आता है और 2019 का लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तब तो लोकतंत्र खतरे में ही है। नहीं, इसके संदर्भ में हम लोग ज़्यादा भाष्य नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कुछ मर्यादा रहती है। इन मर्यादा के तहत मैं यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द ये फैसला आने के लिए प्रक्रिया कार्यान्वित होना ज़रूरी है। अगर आचार संहिता लग जाती है और उसके बाद में ये कुछ निर्णय लेने के संदर्भ में मेरे ख्याल से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है जो कुछ भी है, तो उसके संदर्भ में मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर ईवीएम द्वारा फॉरेन में वोट हैक हो रहा था और उसके वजह से उन्होंने अगर वहाँ पे ईवीएम मशीन को बैन किया है तो उन्होंने एक बैन इसके लिए किया है कि उस देश का प्रजातंत्र उनको अबाधित रखना है, तो उसके लिए उन्होंने बैन किया था। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी अपनानी चाहिए, यही सोच को मद्देनज़र रखते हुए आप समझ लीजिए कि क्या करें। धन्यवाद सर, बहुत मुद्दों पर बहुत मौलिक चर्चा हुई है और आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। MNTV की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यही इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और भी कुछ प्रोफेसर है और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे इन्हीं सारे विषयों पर। आप देखते रहिए MNTV। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।